हमारे बीच हम आपका दिल की गहराइयों से और मिडिल स्कूल ग्रांड में स्वागत करते हैं। इसके बाद मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा कालदास टीचर एंड मिस्टर राजकुमार टीचर, वे कृपा स्टेज पे आए। और मिस्टर मैडम इस साइड आ जाइए, मेरी तरफ थोड़ा सा तालियां रुकनी चाहिए। के दादी जी हमेशा हेल्दी रहे, फिट रहे। बहुत सारी तालियों के साथ तालियां रुकनी चाहिए। बीडीसी सर और कुलदीप सर जो सम्मानित करेंगे बीडीसी मुख्य अतिथि सचिन कुमार जी, इधर कने बैठे रहे इन्हां दे पापा रवि कुमार जी, जेडीओ करतारी लाल जी, बीडीओ रामनगर सतपाल जी, इत्थे दे मिडिल स्कूल दे हेडमास्टर अशोक कुमार जी, किड़मू दियां सरपंच शक्ति देवी जी, मंच उपर जिन्ने भी इत्थे बैठे दे सारे की मेरा नमस्कार। मेरे बुजुर्ग माता भैन और प्यारे बच्चों, आज दिया सम्मानित समारोह दे सारे की बड़ी बड़ी मुबारक, और खास तौर पर मैं किड़मू के लोगों की बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना। थोड़े बिच आ गया एक बच्चा JKS का जरा एग्जाम पास करी है, अजो इतने पुजे। मैं सारे की बड़ी बड़ी यानी मुबारकबाद देना और सारे की भी आखना चाहना कि हर आदमी अपने बच्चे की ऐसी ही शिक्षा दे, ऐसी ही प्रेरणा दे, ताकि सारे ग्रां के बच्चे भी आगे बढ़ी सकन, वो भी कुदे कुसे मुकाम उपर पुजी सकन। एक बड़ी खुशी होंदी है कि अस पहले सुनते हे जम्मू के लोग जां उधमपुर के लोग बड़े बड़े शहरों के लोग जेड़े KSIS करते हैं, अज साढ़े ग्रां के लोग भी पढ़ी लिखी हैं, वह भी अच्छी पोस्ट उपर पुजा दे। और एदे आस्तै सारे मां प्यो की मैं मुबारकबाद दिना कि साढ़े बच्चे भी अग्गे बढ़ा दे। और मैं हेडमास्टर साहब जेड़े इत्थे दे अशोक कुमार जी, मैं आखना कि इन्हें स्कूल का बिचा भी बच्चे जेड़े बड़े अच्छे दिखे, मैं पढ़ने दे भी शहार न, मैं कहना ये भी JKS करी सकते हैं। थोड़ी मेहनत की जरूरत होती क्योंकि साढ़े ग्रां के लोगों की कुत्थें ट्यूशन मिलनी, अजकल बड़ा टफ है जी पढ़ाई जी करना, सिटी के बिच ट्यूशन भी होंगे सवेरे शामी बच्चे की ट्यूशन होंगे, ग्रां के बिच 100 कम होंगे साढ़े। मैं आखना कि गरीबी साड़ी तां गै हटी सकती कि तां गै साढ़े बच्चे पढ़ी लिखी सकन और नौकरियां हासिल कर सकन। मैं ज्यादा नहीं बोलता ही, मैं फिर भी सारे की बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना और सारे को माफी भी चाहना कि थोड़ा मैं जल्दी जाना, असें एक पंचायत बिच और भी थोड़ा प्रोग्राम रखे दा। जय हिंद जय भारत, बड़ी बड़ी बधाई। डोगरी दी शान अज पहली बार गै इं रूह रूह हुंदे कन्नै कोई वाकफी होई है, तो JDO साहब हुंदे कन्नै अस भी इं बड़ी देर दी इंदे कन्नै जान पछाण है। मैं JDO साहब अपने रुमालो राम हुंदा कोला क्षमा चाहना, इंदा नां नहीं ले सकिया, इन्हां दियां मैडम सरपंच मरोह दियां उन्हें भी मुबारकबाद देना और सरसबाद हो गई मुबारकबाद देना। जय हिंद जय भारत। श्रीमती शक्ति देवी वो भी कृपा स्टेज पे आए, सारी तालियां रुकनी चाहिए। क्या वो जरूर लेके आएगा, बस अभी जो टाइम है। सर के सामने
इसके बाद देशराज पूरे गाँव वासियों को, किरमू के जितने भी गाँव वासियों को सबको मुबारक देना चाहता हूँ। और जितने भी हमारे स्कूल के ये बच्चे जितने पढ़े हैं, ये शायद उनसे प्रेरणा लेंगे ताकि ये खुद मेहनत करेंगे। जैसे इन्होंने मुझे बताया, मैं इनसे थोड़ी बात हो रही थी कि ये ऑनलाइन ही पढ़ते रहे। लोग आजकल जितने भी हमारे मोबाइल हैं उनका मिसयूज करते हैं, लेकिन इन्होंने सही यूज़ किया। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनके जो मेरी इनके साथ इनकी दादी आई है उनको भी मुबारक देता हूँ, उनके मदर फादर को भी जिन्होंने इनको बहुत अच्छी शिक्षा दी और इतने बड़े मुकाम पर भेजा। मैं मंच में विराजमान हमारे ऑनरेबल BDC और जितने भी हमारी शख्सियत बैठी है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि आजकल जो एक PN लगना भी बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन JKS बनना तो एक बहुत बड़ा सपना है। वो किरमू गांव के एक होनहार बच्चे हैं जो एक बच्चों से लेकर टीचर बने हैं और टीचर से आज JKS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आपके सामने बैठे हुए हैं। ये एक बहुत ही प्राइड मोमेंट है आपके किरमू गांव के लिए और उनके माता पिता और जितने उनके साथ टीचर भी हैं जो बैठे हुए हैं और जितने हमारे जो प्यारे बच्चे, ये लोग जो हैं ये देश को, देश का स्टेट को चलाने वाले होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और आगे जाके यही लोग हम आपसे DC भी आएंगे, कमिश्नर आएंगे, सेक्रेटरी आएंगे। ये आप यहाँ से मैं आपको आप गाँव वालियों को, गाँव वासियों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनसे आप नाता नहीं तोड़िए, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से अफसर जो बन जाते हैं छोड़ जाते हैं। और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जे अपने गांव से प्यार रखें और आपकी अपने गांव की डेवलपमेंट के लिए जितना भी इनसे बन टूट सकेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव की तरफ ध्यान दें। मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ क्योंकि हमारे BDC साहब को वहीं जाना है, तो इसलिए आप सामी की कदर को करते हुए मैं आपसे विदा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर अपना नाम बताइए। सचिन शर्मा मेरा नाम है। जो आपने KS पेपर क्लियर किया, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? बस यही है कि बेसिक्स अपने स्ट्रांग रखें और कंटिन्यूटी रखें प्रिपरेशन में और तैयारी करते रहें, तो यही है कि उसका फल मिलता जरूर है।